I undertook something that not everyone may undertake. I descended into the depths. I bored into the foundations. अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद हैं जिनमें हिस्टोरिकल ड्रामा हो, पैशनेट लव अफेयर्स हो, ग्रैंड स्केल पर वॉर को पोर्ट्रे किया गया हो या सोसाइटी के अपर क्लास को एक इंटरेस्टिंग एंगल से दिखाया गया हो, तो शायद आपको बैरी लिंडन बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगी। क्योंकि बैरी लिंडन में यह सब कुछ होने के बाद भी डायरेक्टर स्टैनली क्यूब्रिक ने इसे इस तरीके से दिखाया है जो सिनेमैटिक वर्ल्ड में बहुत रेयर है। इस फिल्म में कोई सिंपल नैरेटिव, एक पसंदीदा कैरेक्टर, हीरोज, विलन्स, इवन एक सेटिस्फाइंग कंक्लूजन तक नहीं है। ऑन फर्स्ट साइट इट फील्स बोरिंग। स्टीवन स्पिलबर्ग ने भी पहली बार मूवी देखकर यही कहा था, बट ऑन क्लोज इंस्पेक्शन हमें पता चलता है The framing, the lighting, the hot windows as backlight, you know, there's the compositions. I mean, the exact compositions. You had to hit your mark precisely to please Stanley so he'd get his painting, the painting he was putting on canvas for you to appreciate. It had to be perfect. His choice of lenses, his Steadicam work in latter year films, impeccable, the best in history. Nobody could shoot a movie better than Stanley Kubrick. In history. This film is about human tragedy. हमारे flaws, एक main character जिसकी life में choices ऐसी हैं जो उसे almost robotic और audience से distance feel कराती हैं। इन सभी ingredients के साथ एक 3 घंटे की movie बनाना जो boring और generic ना हो, Stanley Kubrick के genius का एक बेहतरीन example है। शुरू करते हैं film के कुछ philosophical aspects से। इन माई ओपिनियन बैरी लिंडन ह्यूमन एग्जिस्टेंस का एक पावरफुल रिफ्लेक्शन है। एक ऐसे इंसान की जर्नी जो अपने लाइफ में पीस एंड हैप्पीनेस चाहता था। इसके लिए उसने कठिन डिसीजंस भी लिए जो उसके कैरेक्टर के अगेंस्ट थे, बट एंड में उसे हैप्पीनेस मिलती नहीं एंड वह सिर्फ एक फेलियर ही रह जाता है। बैरी खोजता है वेल्थ, स्टेटस, पावर, पर यह सब कुछ पाकर भी ही नेवर फाइंड्स हैप्पीनेस। बैरी को अपने एक्सपीरियंसेस से यह पता चलता है कि वह जब भी वेल्थ, पावर या स्टेटस जैसी चीज़ों को पाता है तो उसके साथ एक बर्डन भी मिलता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। बैरी की यह सिचुएशन मेडिवल फिलोसोफर बोइदियस के वर्क द कॉन्सोलेशन ऑफ फिलॉसफी से बहुत सिमिलर है। बोइदियस ने लिखा था कैसे एक कंफर्टेबल एरिस्टोक्रेटिक लाइफ जीने के बाद अचानक से जेल जाने के इवेंट ने उनके लाइफ के हर बिलीफ को हिला दिया। बोइदियस ने बताया कैसे लाइफ में हैप्पीनेस कभी किसी ऐसी चीज से नहीं मिलती जो जान से इन्फ्लुएंस्ड हो, जैसे कि फ्रेंडशिप, फैमिली, पावर, स्टेटस एंड वेल्थ। ये सारी चीज़ें मोमेंटरी हैं और किसी भी इंस्टेंट आपकी परसीव्ड हैप्पीनेस को ग्रीफ में बदल सकती हैं। उन्होंने कहा वेल्थ के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे सस्टेन करने की, पावर और स्टेटस दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंडेंट है और बदलते सर्कमस्टेंसेज में स्टेबल नहीं। बैरी लिंडन में यही दिखाया गया है कैसे वॉर और पॉवर्टी की चेन्स को तोड़ने के बाद बैरी एरिस्टोक्रेसी और पावर के पिंजरे में फंस जाता। बोइदियस सेड हैप्पीनेस सिर्फ एक एथिकल कैरेक्टर और वर्च्यू से मिलती है, और वर्च्यू ही एक ऐसी चीज़ थी जो बैरी लैक करता था। बैरी का कैरेक्टर बिल्कुल कोल्ड और रोबोटिक लगता है उसकी लाइफ की चॉइसेस की वजह से, बट इफ़ यू थिंक तो शायद हम भी वही डिसीजंस लेते जो बैरी ने उन सिचुएशंस में लिए, तब वो सारे डिसीजन नेचुरल और अंडरस्टैंडेबल लगने लगते हैं। सो बैरी का कैरेक्टर डिस्टेंट और कोल्ड लगता है, पर ऑन प्रोफाउंड थिंकिंग वी रियलाइज ही इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ट्रू सेल्फ। इस कॉम्प्लेक्स नैरेटिव को स्क्रीन पर प्रेजेंट करना भी एक बड़ा चैलेंज था, और इसके पीछे के टेक्निकल जीनियस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो बात करते हैं फिल्म के कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में। बैरी लिंडन बेस थी 18th सेंचुरी यूरोप में। ये एक ऐसा टाइम था जब पूरा यूरोप वॉर से जूझ रहा था। आयरिश रेबेलियन, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी वॉर जैसे इवेंट वाइड स्प्रेड थे। लाइफ वॉज स्लो ड्यू टू लेस टेक्नोलॉजी, बट साथ में ज्यादा वायलेंट और ब्रूटल भी। स्टैनली क्यूब्रिक इसे स्क्रीन पर लाना चाहते थे सिर्फ नेचुरल लाइट्स का यूज़ करके, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टास्क है, बट इसके साथ कुछ और भी मेजर चैलेंजेस थे। उस वक्त की फिल्म स्टॉक उतनी सेंसिटिव नहीं होती थी, यानी लो लाइट में शूट करना इम्पॉसिबल था। इसे सॉल्व करने के लिए स्टैनली ने दो काम किए। उन्होंने फिल्म स्टॉक के ISO को 100 से 200 तक पुश किया ताकि वो लाइट के लिए और सेंसिटिव बन सके और लो लाइट में थोड़ी और बेहतर क्वालिटी शूट हो, पर इतना काफ़ी नहीं था। लो लाइट में शूटिंग करने के लिए स्टैनली ने खरीदे कार्ल ज़ाइस के फेमस प्लेनार 50mm f.7 लेंसेज। ऐसे दुनिया में सिर्फ 10 लेंस बनाए गए थे। 6 नासा ने खरीद लिए अपोलो मिशन पर मून की फोटोग्राफी के लिए, 1 कंपनी ने रखा और बचे 3 लेंस स्टैनली ने खरीद लिए। पर इस लेंस में ऐसा क्या खास था? इसका अपर्चर। f.7 का मतलब यह लेंस f1 से ज़्यादा बड़े अपर्चर का है, यानी ज़्यादा बड़ा खुलता है। यह लेंस उस वक्त के फास्टेस्ट लेंस से भी 2 स्टॉप ज़्यादा खुलता था,
लेंस की लो लाइट परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि नाइट सीन्स को भी आसानी से कैप्चर कर सकता था। लेंस लेने के बाद भी प्रॉब्लम थी इसे कैमरे पर माउंट करने की। लेंस की फ्लेंज लेंथ थी 4 मिलीमीटर, यानी लेंस का माउंट कैमरे के सेंसर से सिर्फ 4 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर होना चाहिए। इसके लिए क्यूब्रिक ने सिनेमा प्रोडक्ट कॉरपोरेशन से कहकर कैमरे को मॉड करवाया और उसे काट कर छोटा किया। ये एक्सपेरिमेंट्स बहुत रिस्की हैं और पूरे कैमरे को ख़राब कर सकते हैं, पर स्टैनली ने अपने विजन पर कॉन्फिडेंस रखा और उसके लिए उन्होंने ये सारा रिस्क लिए। इस लेंस का यूज़ करके स्टैनली और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जॉन एलकॉट ने पूरे सीन को सिर्फ कैंडल लाइट में शूट किया। ब्राइटनेस मेंटेन करने के लिए उन्होंने ऐसे कैंडल्स लिए जिसमें 3-3 विक्स थी। बट आखिर स्टैनली ऐसे कॉम्प्लेक्स लेंस और टेक्निक से क्या अचीव करना चाहते थे? इसका आंसर छिपा है 18th सेंचुरी यूरोप की लाइफ, उनकी पेंटिंग्स के कलर, कॉम्पोजिशन और लाइटिंग्स। कैसे उनकी पेंटिंग्स में एक कंसिडरेबल हेडरूम होता था। बैक देन लाइफ आज की तरह फास्ट पेस्ड नहीं थी, शायद इसीलिए स्टैनली से 3 घंटे जितना लंबा बनाने का डिसीजन लिया। लोग आसानी से कह देते हैं कि मूवी बोरिंग और बहुत स्लो पेस्ड थी, बट स्टैनली का इस मोनोटनी के पीछे रीज़न भी उतना ही स्ट्रॉन्ग और डीप था। तो हाँ, एट वंस मूवी हमें स्लो और बोरिंग लग सकती है, बट उस 3 घंटे में हमें लाइफ का एक फुल सर्कल एक्सपीरियंस करने को मिलता है। लाइफ, डेथ, मेकिंग फ्रेंड्स, लूजिंग देम, करेज, कॉवर्डिस, लव एंड बिट्रेयल। ऑडियंस मूवी का हर फ्रेम ऐसे डिस्कवर करती है जैसे एक आर्ट गैलरी में एक ऑब्जर्वर, जिसे आर्ट के बारे में कुछ खास तो नहीं पता, पर ही इन्जॉयज वॉचिंग इट। सो इन कंक्लूजन आई कैन से कि भले ही बैरी लिंडन स्टैनली क्यूब्रिक की बाकी मूवीज इतनी हाईलाइटेड तो नहीं हुई, ना ही बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट कुछ खास थी, बट फिर भी इसका सिनेमैटिक वर्ल्ड पे इम्पैक्ट बहुत गहरा था। ये मूवी आज के और आने वाले डायरेक्टर्स के लिए सिनेमेटोग्राफी एक अनबीटेबल अचीवमेंट है, और हमें हमेशा अपनी लिमिट्स को टेस्ट करके कुछ लेजेंडरी अचीव करने के लिए पुश करती रहेगी। इसके साथ ही इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।